फ्रेंड्स, हमारी आज की ये वीडियो फिर से उसी डॉग ब्रीड के ऊपर होने वाली है जो आप में से मोस्टली लोगों की फेवरेट है। जी हाँ गाइस, आज फिर से हम बात करेंगे लैब्राडोर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो लैब्राडोर पपीज लेके आया हूँ जो एकदम प्योर क्वालिटी के हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही मेल पपीज हैं और इन दोनों में जो फर्क है वो है इनकी एज का। और दोस्तों, ये दोनों ही पपीज हैवी बोन और शॉर्ट टेल में है। तो पहले अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये पपी 70 डेज का हो चुका है। और फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हमारी अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जर्मन शेफर्ड लेके आऊंगा और वो भी बहुत ही चीप प्राइस में। तो उसकी प्राइसिंग के लिए मैं आप लोगों को छोटी सी हिंट दे देता हूँ, तो आप लोग गैस करना और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना कि उसका प्राइस क्या हो सकता है। तो हिंट ये है कि उस प्राइस में आप लोगों को इंडियन स्पिट्स मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने लोगों का आंसर सही होगा। और फ्रेंड्स, काफी टाइम क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी डॉग को परचेज कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में काफी सारी कंफ्यूजन होती है कि हम लोग कौन सी डॉग ब्रीड को परचेज करें। अगर ये सभी कंफ्यूजन्स आप लोगों के माइंड में भी हैं, तो आप लोग आंख बंद करके लैब्राडोर को परचेज कर सकते हो। यकीन मानिए, इस डॉग के साथ आप लोगों का बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होगा। और फ्रेंड्स, ये जो आप लोग अभी देख रहे हो, ये है हमारा सेकंड मेल पपी और इसकी जो एज है वो है 40 डेज। और गाइस, इन दोनों की सिर्फ एज में ही डिफरेंस नहीं है बल्कि प्राइसिंग में भी काफी डिफरेंस है, तो वो सब भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। लैब्राडोर वन ऑफ दी बेस्ट फैमिली डॉग ब्रीड में से एक है और ये चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं, तो बच्चों को भी आप लोग इनके साथ आराम से रख सकते हैं क्योंकि ये डॉग्स बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते। और दोस्तों, इन डॉग्स की सबसे खास बात यह है कि अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई डॉग, कैट या कोई बर्ड्स वगैरह है तो ये उनको भी जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इनकी इसी खूबी की वजह से ये बहुत से लोगों की पसंदीदा डॉग ब्रीड है जिसे हर टाइप्स की फैमिली आराम से रख सकती है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इन पपीज को परचेज करना चाहता है तो डॉग ओनर का नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कभी भी उन्हें कॉल कर सकते हैं। पर दोस्तों, लैब्राडोर के साथ आप एक चीज का ख्याल जरूर रखें कि इन्हें ज्यादा ओवर फीड ना करें, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि लैब्राडोर अपने वेट को बहुत ही जल्दी पुट ऑन कर लेते हैं जिसकी वजह से बहुत ही मोटे और बहुत ही लेजी हो जाते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए आप लोग अपने डॉग्स को सुबह शाम की वॉक और फिजिकली एक्टिविटीज जरूर कराएं ताकि आपके डॉग हमेशा हेल्दी और एक्टिव बने रहें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और किसी भी डॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर उन्हें परचेज करना चाहते हैं, तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पर करें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो पहले अगर इनकी लोकेशन के बारे में बात करें तो वो है मेरठ यूपी से। दोस्तों, डिलीवरी आप लोगों को अवेलेबल नहीं मिल पाएगी, बाकी आप लोग इसके बारे में डॉग ओनर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इनमें जो छोटा पपी है उसकी जो एज है वो 40 डेज है और ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की 9000 रुपीज यानी 9000 रुपए। और हमारा जो सेकंड पपी है उसकी एज 70 डेज है और ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 13000 रुपीज यानी 13000 रुपए। प्राइसिंग में थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग बात जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आप लोगों को इन पपीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। बट फिर भी अगर मेरी वीडियोस में आप लोगों को कुछ भी मिसिंग लगे या फिर कुछ भी गलत लगे तो आप उसके बारे में एक बार मुझसे जरूर डिस्कस करें ताकि मैं उन सभी चीजों को मेरी आने वाली वीडियोस में कवर कर पाऊं। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके मुझे बताना कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इन पपीज का प्राइस कैसा लगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।